नमस्कार दोस्तों, ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल की आज शाम की सच्ची खबरों में आप सब आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी आशा बहने एएनएम बहने और सभी भाई बहन सबका स्वागत है। सब लोग पूरा वीडियो ध्यान से सुन के जाना, पूरा वीडियो देखना, लाइक कर दीजिए। चैनल से अगर ना जुड़े हों तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके अपनी बेल को भी आल पर दबा लेना। बढ़ते हैं जानकारियों की तरफ। आपको बता दें, सरकार ने जो एक नया यहां पर काम दिया है, क्योंकि कोरोना की तीसरी लहर आने वाली है और उसी की आशंका यहां पर जताई जा रही है, तो यहां पर लिखा हुआ भी है, आप यहां पर देख भी सकते हो दोस्तों। अभी मैं इसको रेड कलर से कर रहा हूं, देखिएगा, कोविड-19 की तीसरी लहर की आशंका के दृष्टिगत विटामिन ए संपूर्ण कार्यक्रम का आयोजन और भी महत्वपूर्ण हो जाता है, ताकि बच्चों में इम्यूनिटी थोड़ा बढ़ जाए, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाए, इसीलिए सरकार विटामिन ए संपूर्ण कार्यक्रम चलाने वाली है। तो इसके लिए यहां पर मिशन निदेशक उत्तर प्रदेश के राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की तरफ से लेटर जारी कर दिया है सभी जिलों के जिलाधिकारियों को यानी डीएम को और सभी मुख्य जो है चिकित्सा अधिकारियों को यानी सीएमओ को। तो ये लेटर भेज दिया गया है, 23 जुलाई को लेटर जारी होकर के भेज दिया गया, जिसमें आपको बता दें कि 28 जुलाई को, कब 28 जुलाई, 25 जुलाई आज हो चुकी है, 28 जुलाई 2021 से 9 माह से 5 वर्ष के जो बच्चे हैं उनको विटामिन ए से आच्छादित करने के लिए विटामिन ए संपूर्ण कार्यक्रम का आयोजन दोस्तों किया जा रहा है उत्तर प्रदेश में। जैसा कि आप लोगों को पता होगा, सरकार जो है हर साल ये कार्यक्रम करवाती है, ये जून महीने में हो जाते थे, लेकिन इस बार जून महीने में नहीं हो पाए हैं। क्यों? क्योंकि कोरोना संक्रमण की वजह से ये चीजें रोक दी गई थी। तो दोस्तों अब आपको बताते हैं इसमें बजट का क्या प्रावधान है, कितना कितना पैसा आता है और किस मद में वो खर्च करने के लिए आता है, ऑल इंडिया पूरी जानकारी आपको देगा। उससे पहले आप देखिएगा, एक ये थीम देख लीजिए, टीकाकरण और विटामिन ए संपूर्ण जो कार्यक्रम है इसको बढ़ावा इसीलिए दिया जा रहा है ताकि कोरोना की तीसरी लहर में बच्चों पर ज्यादा खतरा है तो उनको पहले से मजबूत किया जाए। लिखा है 9 माह से 5 वर्ष के बच्चे हैं, इनको विटामिन ए की खुराक पिलाई जाएगी और सभी लोग अपने अपने बच्चों का टीकाकरण जरूर कराएं। टीकाकरण जो ऐसी चीज है जो बच्चों को टीबी, पोलियो, हेपेटाइटिस और रोटा जो है यहां पर आपका रोटा वायरस होता है, डिप्थीरिया होती है, काली खांसी होती है, टिटनेस होता है, रूबेला होता है, मीजल्स होती है, निमोनिया होता है, ऐसे तमाम बीमारियां हैं जिनसे आपके बच्चों को ये बचाएगा। तो यहां पर विटामिन ए, ये तो एक है लेकिन इसके फायदे बताए जा रहे हैं अनेक हैं। तो विटामिन ए इसलिए जरूरी है क्योंकि दोस्तों आपको बता दें, ये वसा में घुलनशील विटामिन होती है जो शरीर की प्रतिरोधक जो क्षमता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता, उसको बढ़ाती है। रोग प्रतिरोधक क्षमता ही दोस्तों शरीर में जब रोग आते हैं तो उनसे लड़ने में मदद करती है। जिसके शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होती है वो जल्दी बीमार हो जाता है। अब यहां पर बच्चे जल्दी बीमार ना हो, कोरोना की तीसरी लहर में उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ी रहे, इसलिए विटामिन ए वाले ये जो है दवाई वगैरह पिलाई जाएगी। इसमें आपको बता दें कि माह जून और दिसंबर में ये कार्यक्रम मनाए जाते हैं विटामिन ए वाले पिलाने को, पिलाने संपूर्ण कार्यक्रम। लेकिन यहां पर आपको बता दें, बाल स्वास्थ्य पोषण माह के रूप में मनाया जाता है जून महीना, दिसंबर महीना, लेकिन जून में जैसा कि मैंने कहा कोरोना चल रहा था जिस वजह से मनाए नहीं गए और अब ये मनाए जाएंगे। 28 जुलाई से इन चीजों को शुरू कर दिया गया है। देखो किसको कितनी कितनी मात्रा में जो है खुराक देनी है वो भी देखिएगा। इसको हम कर रहे हैं नीले कलर से ताकि आपको आसानी हो जाए। 9 माह से जो 12 माह के बच्चे हैं इनको आधा चम्मच यानी 1 ml वगैरह विटामिन ए घोल पिलाया जाएगा। आधा चम्मच कहने का मतलब है 1 ml, चाहे ml से नाप के दे दो। अब आगे देखिएगा, 16 से 24 माह के जो बच्चे हैं उनको पूरा चम्मच दिया जाएगा, 2 ml पिलाई जाएगी। साथ ही जो 2 से 5 वर्ष के बच्चे हैं उनको पूरा चम्मच यानी 2 ml वगैरह विटामिन ए का घोल पिलाया जाएगा। अब दोस्तों आगे बताना चाहेंगे, 1 से 4 वर्ष के जो बच्चे हैं उत्तर प्रदेश में वो 16.9% ऐसे हैं जिनमें विटामिन ए की कमी है और उससे विटामिन ए की कमी से उत्तर प्रदेश में ग्रसित हैं। अब आप सोचिए, 1 से 4 वर्ष के बच्चे 16.9% उत्तर प्रदेश में विटामिन ए की कमी से ग्रसित हैं, तो यहां पर ये बहुत ही ज्यादा गंभीर समस्या है। साथ ही साथ बता दें कि रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़े, इसीलिए बोला जा रहा है कि 9 माह से 5 वर्ष के बच्चों को विटामिन ए की 9 खुराक दिए जाने से उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता में बढ़ोतरी होती है, जिससे कि वे स्वस्थ और पोषित रहते हैं। प्रदेश में विटामिन ए की 9 खुराकें दिए जाने का प्रावधान है। तो यहां पर उत्तर प्रदेश में 9 खुराकें दी जाती हैं, जिसमें मैं आपको बता दूं कौन ये, देखो किसको कितनी मात्रा में देनी है वो तो मैंने बता दिया। अब यहां पर आप एक चीज और नोटिस कर लीजिएगा, वो ये है कि इस एज वाले बच्चों को कब देनी है। 9 माह से 12 माह के बच्चे जिनको आधा चम्मच 1 ml
यानी देनी है दवा उनको एमआर के प्रथम टीके के साथ में नियमित टीकाकरण सत्र के दौरान उनको देनी है। 16 से 24 माह के जो है उनको एमआर के दूसरे टीके के साथ में नियमित टीकाकरण के दौरान देनी है। इनको 2 एमएल दिया जाता है। 2 से 5 वर्ष वाले इनको 6-6 माह के अंतराल पर दिया जाता है, जब यहां पर बाल स्वास्थ्य पोषण माहों के दौरान भी इनको दिया जाता है। पूरा चम्मच इनको 2 एमएल दिया जाता है। तो इस तरीके से यहां पर खुराकें इनको दी जाती हैं। अब दोस्तों आगे चलते हैं और आपको बताते हैं, लिखा हुआ है यहां पर 28 जुलाई से सुनियोजित योजना के अनुसार वीएचएसएनडी जो सत्र मनाए जाते हैं उनमें विटामिन ए का अच्छा दान किया जाना है। 9 माह से 5 वर्ष के जो बच्चे हैं उनको वर्तमान में माइक्रो प्लान वीएचएसएनडी और आपका यूएचएनडी सत्रों में विटामिन ए पिलाया जाएगा। प्रत्येक जनपद से अपेक्षित इस हेतु इस प्रकार योजना बनाए कि 9 माह से 5 वर्ष के जो बच्चे हैं यानी लाभार्थी हैं तो उनको कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए विटामिन ए की खुराक से आच्छादित किया जाए। आशा द्वारा इस बात का जो है इस बात का जरूर ध्यान रखा जाए कि सत्र पर एक समय में 10 से अधिक बच्चे एकत्र ना हो, उन्हें कुछ अंतराल पर ही सत्र पर बुलाया जाए। इस प्रकार प्रत्येक ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में सभी लाभार्थियों को आच्छादित करने हेतु सत्र का आयोजन किया जाए। प्रत्येक सत्र पर विटामिन ए के अतिरिक्त 6 माह से 5 वर्ष के बच्चों को एनीमिया से बचाव के लिए IFA सिरप का वितरण भी जो है किया जाएगा। जुलाई अगस्त माह में विटामिन ए आच्छादन को सफलतापूर्वक आयोजित करने के लिए निम्न गतिविधियां भी संचालित हैं, जिनमें दोस्तों आपको बताते हैं एक ये है जो यहां पर आपको दिखाना चाहेंगे। इसकी तरफ बढ़ते हैं, विटामिन ए संपूर्ण वगैरह के पहले की जो तैयारियां हैं वो क्या करनी है, तो तैयारियों के बारे में देखिए। लिखा है जनपद स्तर से सभी ब्लॉक स्तरीय जो है प्रभारी चिकित्सा अधिकारी को विटामिन ए संपूर्ण कार्यक्रम की रणनीति से अवगत कराते हुए आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश वगैरह करना है। आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ती, देखो साफ साफ लिखा हुआ है, आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ती के सहयोग से विटामिन ए संपूर्ण कार्यक्रम के आयोजन हेतु जनपदों में ड्यू लिस्ट 9 माह से 5 वर्ष के जो बच्चे उनकी तैयार कर ली जाए। ज्ञात हो कि 1000 की आबादी पर 9 माह से 5 वर्ष के अनुमानतः 120 से 130 बच्चे अपेक्षित होते हैं। साथ ही उनका अगला जो पॉइंट है वो भी हम आपको बताते हैं तैयारी का। इसमें देखिएगा उनका कहना है कि राज्य स्तर से प्रेषित जनपदवार 9 माह से 5 वर्ष के बच्चों के लक्ष्य को ब्लॉक और शहरी क्षेत्रवार जो है यहां पर आच्छादन उनका किया जाएगा योजना बना करके। साथ ही साथ आपको बताना चाहेंगे इसमें हम आप आगे ले चलते जो मेन पॉइंट है, कोविड के दौरान साफ सफाई का भी देखो ध्यान रखना है। और यहां पर बोला गया 1000 की आबादी पर 130 से 40 बच्चे देखने को आपको मिल भी सकते हैं। तो यहां पर देखिएगा ध्यान रहे कि विटामिन ए की मात्रा का निर्धारण विटामिन ए की बोतल के साथ ही दी गई जो चम्मच है उससे करें। वहां पर 1 मिलीलीटर वगैरह व 2 मिली वगैरह में लिखा है, निशान वगैरह भी बना हुआ है। एमएल का मतलब यहां पर एमएल बोला जा रहा है, यह समझ लेना, मिलीलीटर। तो यहां पर एमएल आधा चम्मच का मतलब है 1 एमएल और पूरा चम्मच का मतलब है 2 एमएल। इसका यहां पर आपको पता होना चाहिए। सत्र के दौरान एएनएम और आशा और आंगनबाड़ी बहने इनके द्वारा उपयोग हेतु प्रत्येक एएनएम को कम से कम 1 सैनिटाइजर प्रति सत्र अवश्य उपलब्ध कराया जाए। यह भी इसमें बोला गया कि एएनएम बहने सैनिटाइजर की बोतल भी जो है इन लोगों को, इन सबको आंगनबाड़ी आशा और जो है एएनएम को 1 सैनिटाइजर की बोतल भी कम से कम 1 सत्र पर दी जाए। विटामिन ए रिपोर्टिंग प्रपत्र व टैली सीट पर प्रचार प्रसार की सामग्री के लिए यानी बैनर का भी मुद्रण करवाते उन्हें एएनएम को वितरित कराएं। तो यहां पर इस सबके लिए भाई पैसा भी दिया जाएगा, भी उसके बारे में बताएंगे। 6 माह से 5 वर्ष के बच्चों को IFA सिरप का भी वितरण करना है, इसके बारे में देखो दिया गया है 6 माह से 5 वर्ष के बच्चों को। इनके अलावा लिखा है सत्रों का संचालन, जैसे एक सत्र पर कम से कम 3 बोतलों की उपलब्धता होनी चाहिए। बोतल खोलने के समय उस पर खोलने की तिथि अवश्य अंकित की जाए। एक बोतल समाप्त होने के बाद ही दूसरी बोतल खोली जाए। विटामिन ए की बोतल के साथ उपलब्ध चम्मच से ही जो है एएनएम द्वारा निर्धारित मात्रा माप करते हुए डिस्पोजल चम्मच द्वारा खुराक जो है पिलाई जाए। बच्चों को विटामिन ए की खुराक पिलाने के पश्चात एएनएम द्वारा MCP कार्ड वगैरह में प्रविष्टि भी करनी है। वीएचएसएनडी और यूएचएसएनडी सत्रों के आयोजन के समय सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क पहनना, साबुन से हाथ धोना और यहां पर संक्रमण की रोकथाम संबंधित जो दिशा निर्देश है उनका पालन भी जरूरी है। आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ती के द्वारा उस सत्र की ड्यू लिस्ट के अनुसार अपेक्षित आयु वर्ग के बच्चों को निर्धारित स्लॉट के अनुसार बुलाया जाए, जिससे किसी भी समय भीड़ भी इकट्ठी ना हो। तो थोड़ा थोड़ा करके बुलाओ, 10 से ज्यादा लोग एक साथ इकट्ठा ना हो। साथ ही साथ इस तरह से चीजें बताई जा रही हैं और कॉर्नर अवश्य वहां पर बना होना चाहिए हाथ धोने के लिए, जहां पर एक बाल्टी, स्वच्छ पानी, एक मग और एक साबुन की व्यवस्था भी होनी चाहिए। यह सब चीजें बताई गई है। बोला गया कि प्रोटोकॉल के अनुसार कम से कम 20 सेकंड तक साबुन पानी से हाथ भी धोना है। आशा आंगनबाड़ी कार्यकर्ती यह भी सुनिश्चित करें कि प्रत्येक स्लॉट में बुलाए गए लाभार्थी सोशल डिस्टेंसिंग यानी 2 लाभार्थियों के मध्य कम से कम 1 मीटर की दूरी होना जरूरी है। साथ ही एएनएम समय समय पर सैनिटाइजर के साथ मास्क
वगैरह यानी हाथ वगैरह भी साफ करना उनके लिए भी जरूरी है एनएम के लिए। साथ ही आंगनबाड़ी जो है यहाँ पर लिखा है लाभार्थी को मोबिलाइज करने में आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ती इस बात पर अवश्य जोर दें कि प्रत्येक लाभार्थी के साथ एक से अधिक देखभाल करता ना हो, यदि एवं यदि परिवार में किसी को भी बुखार खांसी व सांस लेने में तकलीफ के लक्षण है तो वे सत्र पर ना आए। ऐसे परिवार के संबंध में प्रभारी चिकित्सा अधिकारी को भी सूचित करें। साथ ही मॉनिटरिंग के बारे में भी यहाँ पर लिखा गया है। अब दोस्तों चलते हैं अगले पेज पर, आते हैं मॉनिटरिंग के बारे में बताते हैं। विटामिन ए संपूर्ण कार्यक्रम के लिए बोला गया कि विजसंडी और युजसंडी सत्रों में इसका अनुसरण किया जाएगा। बाकी देखो मॉनिटरिंग तो ऊपर से होती रहती है, एनएम बहने अपना जो भी प्रारूप भर करके ऊपर भेजेंगी। इनके अलावा आपको बता दें रिपोर्टिंग में भी सब वही है, टैली शीट वगैरह दी जाएंगी भरने के लिए और गांव में दोनों सत्रों में समाप्ति पर गांव की कवरेज वगैरह रिपोर्ट एनएम बहनों के द्वारा संकलित करके भेज दी जाएगी। तो यहां पर ऐसे करके आप देख सकते हो, इसमें लिखा है कि कार्यक्रम पश्चात थर्ड पार्टी वैलिडेशन हेतु प्रत्येक सत्र पर आच्छादित बच्चों की सूची आशा आंगनबाड़ी कार्यकर्ती द्वारा सुरक्षित भी रखी जाएगी, तो आप भी अपने पास सूची बना करके रख लेना। साथ ही साथ आपको बता दें यहां पर इस तरह से सब काम वाम दे दिए गए, किसके क्या है, विटामिन ए संपूर्ण कार्यक्रम से संबंधित गतिविधियां भी बताई जा रही है, तो उस टाइम पर गतिविधियां भी होनी है। जनपद स्तरीय नियोजन एवं समीक्षा बैठक के लिए बताया जा रहा है, तो विटामिन ए संपूर्ण कार्यक्रम के आयोजन से पूर्व जनपद स्तर पर स्वास्थ्य एवं आईसीडीएस विभाग की संयुक्त नियोजन बैठक आपके जनपदों में की जानी है। इस हेतु प्रति बैठक ₹5,000 प्रति जनपद की दर से धनराशि उपलब्ध कराई गई है, बैठक के लिए ही कराई गई है। ब्लॉक स्तरीय संयुक्त नियोजन की एक बैठक होगी जिसमें बताया जा रहा है कि विटामिन ए संपूर्ण कार्यक्रम के आयोजन से पूर्व ब्लॉक स्तर पर सीएससी पीएससी केंद्र पर संयुक्त नियोजन बैठक की जानी है। इस हेतु प्रति बैठक ₹3,000 प्रति ब्लॉक की दर से धनराशि दी जाएगी। साथ ही है विटामिन ए संपूर्ण कार्यक्रम का उद्घाटन, इसमें भी देखो सब लिखा हुआ है और इसमें बोला गया कि प्रत्येक जनपद में विटामिन ए संपूर्ण कार्यक्रम का जो है उद्घाटन अपने जनपद के सम्मानी मंत्री सांसद स्थानीय सभासद जिलाधिकारी इनके द्वारा कराया जाए। कार्यक्रम में स्वास्थ्य एवं आईसीडीएस विभाग के अतिरिक्त शिक्षा पंचायत ग्राम विकास स्वयं सेवक संस्था इनके प्रतिनिधि को भी आमंत्रित किया जाए। आवंटन समारोह में 9 माह से 5 वर्ष के बच्चों को माताओं के साथ में आमंत्रित करके विटामिन ए की खुराक, उनका वजन और विटामिन ए के लाभ, स्तनपान व पूरक पोषण संबंधी लाभ से अवगत कराएं। इस समारोह का कवरेज स्थानीय समाचार पत्रों मीडिया के माध्यम से कराया जाए जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों को जानकारी हो सके तथा बच्चों को 6 माह के अंतराल पर दी जाने वाली विटामिन ए की खुराक से आच्छादित भी किया जाए। बैनर, आईसीडीएस प्रदर्शन, हैंडबिल, सूक्ष्म अल्पाहार आदि जो है यहाँ पर हेतु प्रत्येक जनपद को ₹10,000 की धनराशि उपलब्ध कराई जा रही है। तो यह भी बोला गया है, अल्पाहार का मतलब होता है शायद नाश्ते से बोला जाता है, तो उसके लिए ₹10,000 ये सब बैनर सब चीजों के लिए बोला गया है। साथ ही अनुश्रवण हेतु व्यय भी लिखा है यहाँ पर देखिएगा कि कार्यक्रम के सत्रों का जो निरीक्षण किया जाएगा जिले स्तर पर जिला प्रतिरक्षण जो अधिकारी के द्वारा, अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी, ब्लॉक कार्यक्रम प्रबंधक, ऐसे सभी अधिकारी हैं, सीडीपीओ हैं और पर्यवेक्षक हैं स्वास्थ्य वाले, इसमें लिखा है और मुख्य सेविका यानी सुपरवाइजर टीकाकरण दिवस पर कम से कम 3-3 सत्रों का अनुश्रवण वो करेंगी और इस हेतु स्थानीय यात्रा के लिए यानी उनके आने जाने के लिए ₹5,000 प्रति जनपद एवं ₹5,000 प्रति ब्लॉक स्तर पर भी व्यय करने के लिए उपलब्ध उनको कराए जाएंगे। जिलों पर यानी जिला के जो अधिकारी होते हैं उनको 5-5 हजार, जो ब्लॉकों पर जो सुपरवाइजर बहने सीडीपीओ लोग जो भी इधर उधर अपना जाएंगे उनको भी 5-5 हजार रुपया प्रति ब्लॉक के खर्चे के लिए आएगा ताकि वो इधर उधर जाएंगी 3-3 जगह घूमने के लिए और उसका उनका खर्चा भत्ता दिया जा रहा है। तो दोस्तों अब चलते हैं आगे और आपको बताते हैं, ये रही वो वाली लिस्ट जिसमें आपके पैसे के बारे में बजट के बारे में बात है, ये पूरा आप देख लीजिएगा, जिलों के सब नाम दिए गए हैं और लास्ट में आप देखिएगा टोटल बजट है लाख में है, इन लाख में। तो आप देखिएगा यहां पर टोटल बजट की बात करते हैं, जैसे आगरा में देखिए 3,80,000 है, तो ऐसे ही बड़े बड़े जो है जिले वहां पर ज्यादा बड़ा बजट है, लेकिन हम आपको बताते हैं ऐसे 75 जिलों के लिए ये बजट जारी है जिनमें आपको बताना चाहेंगे, लास्ट में आपको बताते हैं कुल कितना है। तो जो कुल बजट है वो आप देखिएगा 75 जिलों का उत्तर प्रदेश में 1,18,36,000, कितना 1,18,36,000 रुपया टोटल बजट भी आया है। आईसी जो है यहाँ पर आईसीडीएस वगैरह में जो गतिविधियां हैं उनके बारे में देखिएगा, आईईसी की जो गतिविधियां वो विटामिन ए संपूर्ण कार्यक्रम में आईईसी गतिविधियों हेतु प्रति एएनएम एक फ्लेक्स बैनर ₹180 प्रति बैनर की कीमत भी लिख दी गई है, उसकी दर से प्रिंटिंग हेतु एफएमआर कोड मद संख्या 11.8.2 से संलग्न जनपदवार फॉन्ट के अनुसार धनराशि डैप के माध्यम से जिला स्वास्थ्य समितियों के खाते में उनको भेजी जाएगी। तो यहां पर प्रति एएनएम बहनों को भी ये सब दिया जाएगा ₹180 यानी प्रति बैनर के हिसाब से जितने भी उनको बैनर दिए जाएंगे। अब देखिएगा बजट है ये बैनर के लिए पर एएनएम यानी जितनी भी आंगनबाड़ी एएनएम बहनें हैं उनके हिसाब से ₹180 पर बैनर के हिसाब से कॉस्ट आई है,
जिनमें सब जिलों के देखो नाम दिए हैं, वहां पर कितना कितना बजट बैनर के लिए है, ये भी देखिएगा यहां पर लिखा हुआ है 964,000, यहां पर क्या है 96,480 रुपया लिखा हुआ है, यानी औसतन मान के चलिएगा। यहां पर देखिए 1,00,000 इस जिले के लिए लिखा है, बहराइच के लिए, ऐसे कहीं कहीं जो है 1,00,000 भी है, वरना 1,00,000 के अंतर ही है, लेकिन अच्छी खासी रकम है बैनर के लिए जो एनएम बहनों को भी दी जाएगी। अब यहां पर 180 रुपया पर बैनर के हिसाब से पैसे का भुगतान होगा। तो यहां पर 75 जनपदों का अगर आप बात करें तो ये पूरा टोटल पैसा भी लिखा हुआ है, शायद 52 जो है यहां पर लाख रुपए लिखे हुए हैं, जो कि आप यहां पर देख सकते हो। अब आगे चलते और बताना चाहेंगे, ऐसे ही यहां पर देखिएगा ये जुलाई महीने वाले जो कार्यक्रम उनके लिए खर्चे की मैं बात कर रहा हूं। अब बात करते हैं डीएपी, इसमें लिखा हुआ है, अभी इसके बारे में बात करते हैं, डीएपी लिखा हुआ है, ये मोबाइल डीएपी नहीं है, लिखा है धनराशि से की जाए तथा जो है डीएपी के साक्ष्य व्यय विवरण प्रस्तुत किए जाए, उक्त मदों में वे किसी भी दशा में स्वीकृत धनराशि से अधिक ना हो। तो जो स्वीकृत धनराशि जैसे बैनर की 180 रुपया, इससे ज्यादा की जो है स्वीकृति नहीं मिलेगी, उतने के हिसाब से ही सब होगा। अब देखिएगा विटामिन ए संपूर्ण कार्यक्रम के दोनों चरणों के लिए प्रति एनम एक बैनर की स्वीकृति प्रदान की जाती, तो एक एनम पर एक ही बैनर दिया जाएगा 180 रुपए का, यह भी क्लियर हो गया। अतः वित्तीय वर्ष 2020-21-22 के अगले चरण के लिए उपलब्ध कराए जा रहे बैनर को सुरक्षित रखने के लिए एनम को निर्देशित भी कर दे। तो अगर आगे के लिए दिया जाएगा मान के चलेगा दिसंबर के लिए, तो उसको भी आराम से रखना पड़ेगा। बैनर का स्पेसिफिकेशन भी देखिए, साइज क्या है 6x2 ऐसे करके सब चीजें हैं, बहुरंगी प्रिंटिंग होनी चाहिए डिजिटल टाइप की, चार कोनों पर यहां पर ऐसे देखिएगा आईलेट्स वगैरह लिखा हुआ वो सब होने चाहिए, बैनर का डिजाइन जो है प्रोटोटाइप होना चाहिए, वित्तीय व्यवस्था के लिए भी दिशा निर्देश है, तो यहां पर ये सब चीजें दे दी गई है। तो अब आपसे यही कहना चाहेंगे कि भारत सरकार द्वारा दिए गए जो भी फाइनेंशियल वगैरह मैनेजमेंट मैनुअल है उसमें जो भी नियम कायदे उसी के अनुसार इसका भुगतान किया जाएगा। तो जिला कार्यक्रम मद में धनराशि आवंटित कर भी दी गई है, उक्त सीमा पर इन चीजों का अपना अपना भुगतान हो गया है। अब भैया निकाले पैसा और इन चीजों को करें, तो यहां पर आप देख सकते हैं 9 माह से 5 वर्ष के बच्चों का लक्ष्य, रिपोर्टिंग फॉर्मेट, मॉनिटरिंग फॉर्मेट, बैनर का डिजाइन, ये सब उनको लेना करना है। अब आगे देखिएगा इसमें कुछ प्रारूप भी दे दिए गए हैं, जिन प्रारूपों पर सूचना भी मांगी जाएगी आप सबसे। विटामिन ए अच्छादान वर्ष जनपद ऐसे ऐसे सब लिखा हुआ, ब्लॉक तथा शहर क्षेत्र का नाम, कुल जनसंख्या ब्लॉक और शहर क्षेत्रवार उनकी, विटामिन ए लक्षित बच्चों की संख्या 9 माह से 12 माह के बच्चे, और यहां पर लिखा हुआ 1.5 साल से 2 वर्ष के बच्चे, 2 से 5 वर्ष के बच्चे, ऐसे करके इनका सब अलग अलग पूरा सब लिखा हुआ है, इसको पढ़ने में काफी टाइम लगेगा। अब इन चीजों को वैसे भी आप जो है क्लियर देख नहीं पाओगे, क्योंकि हम पढ़ के भी सुना देंगे तब भी आप नोट नहीं कर पाओगे। तो ये जो है आपका विटामिन ए संपूर्ण कार्यक्रम का, ये आपको खुद ही विभागीय ग्रुपों में दे दिया जाएगा, और तब आप उससे जो है पढ़ के अपना बना भी सकते हो। तो इस तरह से भरने को आपको दिया जाएगा, इसमें बहुत ज्यादा साफ नहीं है, बता देंगे तो आप लोग उसको नोट नहीं कर पाओगे, टाइम भी लगेगा, लिए आपको हम बस एक नजर में दिखा दे रहे हैं। इस तरह से ये हमारे पास प्रारूप भी आ गए जो कि साफ नहीं है, लेकिन आपको मैं फिर कह रहा हूं ये आपके ग्रुपों में खुद दिए जाएंगे और बताया जाएगा। अब देखिएगा यहां पर टारगेट वार्गेट जो रखा गया 9 से 5 वर्ष के बच्चों को विटामिन ए पिलाने के लिए, उसमें देखिएगा वो डिसाइड किया गया कौन से जिले में कितने बच्चे और उनको कौन कौन से एज ग्रुप के और उनको कितनों को जो है क्या क्या सब दिया जाएगा, इतने बच्चे जिनको दिया जाएगा। अब आगे चलते हैं और आपको बताते हैं, यहां पर जैसा कि आप देख सकते हो इस मैटर पर और भी चीजें लिखी हुई हैं, इसी टाइप के सब मैटर आए हैं। यहां पर विटामिन ए एवं आयरन सिरप जो है संपूर्ण हेतु अनुसरण प्रपत्र भी दिया गया है, जिसमें आप देख सकते हो यहां पर क्या लिखा हुआ, आंगनबाड़ी केंद्र, विद्यालय, उपकेंद्र, पंचायत भवन, जहां पर भी स्थल है उसका नाम भरा जाएगा, भ्रमण की तिथि क्या है, क्या सत्र जो है माइक्रोप्लान के अनुसार है, इस तरह से जो है यहां पर ये चीजें दी गई है। तो यहां पर आगे दिखाना चाहेंगे जो हम बहनों के काम का हो शायद वो प्रपत्र अलग टाइप का हो, क्योंकि इस तरह के कई आए हमारे पास। विटामिन ए आयरन सिरप संपूर्ण अनुश्रवण के लिए ये भी एक लगा हुआ है, आयरन सिरप हेतु अनुश्रवण प्रपत्र आप ये भी देखिएगा। तो इसमें बहुत सारे सवाल लिखे हुए जो कि मुझे लगता है सवाल आपके काम के तो है नहीं।